क्या बोला गया इन द सेकेंड क्वेश्चन? इन फिगर क्वाड्रिलैटरल PQRS इज साइक्लिक, साइड PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड RQ, PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड व्हाट? RQ. एंगल PSR, जो PSR है वो कितना है आपका? 110 डिग्री है. फाइंड द मेजर ऑफ एंगल PQR. ये एकदम इजी है. PSR आपको पता है 110 डिग्री है, तो PQR कितना रहेगा आपको? 110 किस में से माइनस करोगे आप? 180 में से. कौन सा थ्योरम? साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम. तो 70 मिल जाएगा आपको आंसर. सिंपल एंड इजी था. बट नेक्स्ट फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि मेजर ऑफ PQR कितना रहेगा, PQR कितना रहेगा वो आपको बताना है. देखो ये क्वेश्चन है ना, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और जब ये एग्जाम में आएगा ना तो आपको ईजी लगेगा इनिशियली, क्योंकि आपको ईजिली आपने साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम से निकाल दिया. अब आप ये अटेम्प्ट करने लग जाओगे, फिर उसके बाद में जैसे सेकंड क्वेश्चन आएगा, थर्ड क्वेश्चन आएगा, फोर्थ क्वेश्चन आएगा, आप थोड़े से क्या हो जाएंगे? हिल जाओगे. क्यों? क्योंकि आपको लगा पहला वाला इजी है तो सब भी क्या रहेगा? इजी रहेगा. फिर आप उसको कट करोगे, दूसरा कोई ऑप्शन अटेम्प्ट करोगे, इसमें आपका टाइम क्या हो जाएगा? कंज्यूम हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा. यस ऑर नो? तो आपको मेक श्योर करना है कि आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से डिटेली समझो. क्या आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे? तभी ही आप एग्जाम में क्या करना, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना. अब जैसे कि यहाँ पर एक सर्कल दिया है, सर्कल के अंदर अपन को क्या बनाने बोला है? एक क्वाड्रिलैटरल. यस ऑर नो? तो हम लोग यहाँ पर ने बना दिए एक क्वाड्रिलैटरल. ओके, राइट फ्रॉम ईयर टू ईयर, राइट फ्रॉम ईयर टू ईयर, एंड इसको क्या कर दिए? कनेक्ट. व्हाट इज द नेम ऑफ द क्वाड्रिलैटरल? PQRS. और सारे फिगर्स जिसमें तीन तीन मार्क के क्वेश्चन है, दो दो मार्क के क्वेश्चन है, आपको उसमें सारे फिगर्स बनाना है. ऐसा मत सोचना कि मैं फिगर नहीं बनाऊंगा तो चलेगा. नो, दे विल कैंसिल योर मार्क्स. डू यू वांट टीचर्स टू यू नो कैंसिल योर मार्क्स, रिड्यूस योर मार्क्स? नो ना. राइट डाउन गिवन, व्हाट इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन? क्वाड्रिलैटरल PQRS इज व्हाट? साइक्लिक. क्वाड्रिलैटरल PQRS इज साइक्लिक. यस, एंड व्हाट इज द सेकंड थिंग गिवन? साइड PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड RQ. थर्ड थिंग इज एंगल PSR इज हाउ मच? 110 डिग्री. अभी हम लोग पहली चीज ढूंढेंगे, मेजर ऑफ एंगल PQR, मेजर ऑफ एंगल PQR. ओके, मेजर ऑफ एंगल PQR क्या है? क्वेश्चन मार्क. हमको पता है PQR जो है वो क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल. क्या है वो? साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल. S के अपोजिट है ना Q? यस ऑर नो? तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एंगल PQR प्लस PQR के सामने कौन सा है? एंगल PSR जो दिया हुआ है अपने को. यस ऑर नो? इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन क्या रहेगा? साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम. यस ऑर नो? वाजंट इट इजी टू राइट डाउन? सिमिलरली हम लोग को पता है नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को PQR का वैल्यू नहीं दिया, बट PSR दिया है. कितना है वो? 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. इधर रीजन क्या आएगा? गिवन. यस ऑर नो? नाउ PQR ढूंढने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 180 में से माइनस करेंगे, प्लस इधर आके क्या हो जाएगा? Therefore, angle PQR is how much? 70 degree. Wasn't it simple for you guys to understand this much? Yes. And second वाले question में आपकी नैया क्या हो जाएगी? डूब जाएगी. क्योंकि आपने आपको लगा पहला easy है तो मैं सब कुछ कर लूँगा. But second भी easy ही है, आपको सिर्फ थोड़ा सा base पता रहना चाहिए circle chapter का. ऑलराइट, मेजर ऑफ PQR ढूंढना है आपको. क्या ढूंढना है? PQR कितना रहेगा आपको बताना है. सबसे पहले आपको देखना है PSR. क्या दिया हुआ है आपको? PSR कितना दिया है? PSR 110 डिग्री. यस ऑर नो? तो मेजर ऑफ PQR इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? एंगल PSR इज इक्वल टू हाफ इंटू मेजर ऑफ PQR. यस ऑर नो? ये क्यों ऐसा लिखा मैंने? तुम लोग को दिख रहा है एक एंगल के अंदर एक आर्क है, एक एंगल के अंदर क्या है? एक आर्क है. तो कौन सा थियोरम बोलेगा इसको? Thank you.
inscribed angle theorem. Inscribed angle theorem. I से ice cream भी बन रही है तो I से inscribed angle theorem. Yes or no? क्या मुझे पता है मेरा PSR कितना है? Yes, मुझे पता है PSR कितना है मेरा 110 degree is equal to half into measure of PQR कितना है मेरा? PQR मुझे पता है क्या? नहीं पता है तो मैं उसको लिखूंगा measure of PQR. Yes, measure of PQR मैंने लिख दिया. Therefore 110 क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा इनटू 2. 1 इनटू measure of PQR क्या रहेगा? Measure of PQR. तो मुझे मिल गया ना measure of PQR कितना है मेरा? कितना है? 220. वेरी गुड. 220 मुझे क्या मिल गया? मेजर ऑफ PQR. यस और नो? इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर क्या? इसका इक्वेशन नंबर 1 डाल देने का पहले वाले को. ओके, नाउ वी आर सपोज टू फाइंड आउट द वेरी थर्ड थिंग. व्हाट इज दैट थर्ड थिंग? यहाँ तक तुम लोगों को समझ में आया? पक्का श्योर है? यहाँ पे थर्ड थिंग देखते हैं, हम लोग को क्या ढूंढने बोला है उसने? मेजर ऑफ QR ढूंढने बोला है. क्या ढूंढने बोला है? QR क्या है आपको बताना है. क्या आपको QR और PQ सेम टू सेम दिख रहे हैं क्या? यस और नो? सेम लेंथ में ही है. यस और नो? सेम आर्क के अंदर ही है और एकदम इक्वल मेजरमेंट दे रहे हैं. तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉर्ड PQ, सिंस लिखेंगे यहाँ पर, सिंस कॉर्ड PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड PQ. किसके जैसा दिख रहा है आपको? RQ के जैसा दिख रहा है ना? Yes or no? All right. तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे therefore arc PQ भी congruent किससे है? arc RQ से. arc PQ is congruent to arc RQ. क्या लिखेंगे यहाँ पर? congruent arcs of the congruent chord. Yes or no? congruent arc of the congruent chords. Am I clear till here? Yes. Okay. अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं आगे क्या करना है हम लोग को. यहाँ पर हमारे पास PQ है, RQ है. Yes. हम लोग को पता है कि हमारा ये कितना था, जो PQR था वो कितना था अपना? कितना मिला आपको यहाँ पर? देखिए 70 डिग्री मिला. यस और नो? तो इसके बाद में क्या तक आपको इजीली समझ में आया? अभी आपको यहाँ पर दिख रहा है कि PQR के अंदर ही ये दो आर्क है ना? PQR के अंदर ही क्या है? हमारे दोनों भी आर्क है, PQ भी है और RQ भी है. तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ. क्या लिखेंगे? मेजर ऑफ पी क्यू आर, मेजर ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू मेजर ऑफ पी क्यू प्लस मेजर ऑफ. यस और नो? यहाँ पे लिखेंगे आर्क एडिशन प्रॉपर्टी. आर्क एडिशन प्रॉपर्टी. यस और नो? दोनों आर्क को अपन ने क्या कर लिया है? एड कर लिया, पी क्यू प्लस क्यू आर. लेट दी आर्क, let the arc PQ and measure arc QR be X. Be X. Yes or no? तो measure arc PQR मुझे पता है ना कितना है मेरा? 220 degree is equal to X plus X. 220 degree is equal to 1 plus 1 कितना होएगा? 2X. 220 को मैं divide करूँगा 2 से तो मुझे कितना आंसर मिलेगा? 110 मिलेगा. ये सोनो, मैं यहाँ पर क्या मिस कर रहा हूँ जिससे मेरा मार्क्स कट हो सकता है एग्जाम में? वेरी नाइस ऑफ यू गाइस, देयरफॉर साइन हैज बीन गेटिंग मिस्ड अप. ये सोनो, और ये 220 डिग्री मुझे मेजर ऑफ PQR कौन से इक्वेशन से आया? इक्वेशन 2. तो फ्रॉम 2. ये सोनो, यहाँ पर हमने लिख दिया x कितना मिला मुझे? 110. देयरफॉर मेरा मेजर ऑफ PQ भी कितना है? 110 डिग्री है. एंड मेजर आर्क QR भी कितना है? 110 डिग्री है. नॉर्मल था, क्लियर हो गया आपको? इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देंगे. यस, अभी हम लोग को फाइनल स्टेप में क्या फाइंड करने बोला है?
मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू. पी आर क्यू दिख रहा है तुम लोग, एक आइसक्रीम ऐसी बन रही है. यस पी आर क्यू. कौन से वाले इसमें है लोग, कौन से आर्क में है? पी क्यू आर्क में है. यस और नो? अगर मुझे पी आर क्यू ढूंढना है तो किस में दिया ये? पी क्यू में दिया है. यस इंस्क्राइब एंगल थियरम से ढूंढ सकता हूँ ना मैं? यस और नो? मेरा पी क्यू कितना दिया है मुझे? 110 मिला है. कितना मिला है? 110. तो उसका आधा क्या रहेगा? पी आर क्यू रहेगा. 110 का आधा कितना होता है? ओके तो चलिए ढूंढते हैं इसको. नंबर फोर्थ क्या है अपना? मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू व्हाट? ऑलराइट चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे. यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू हाफ इंटू मेजर आर्क. कौन सा आर्क चाहिए हम लोग को यहाँ पर? पी क्यू. यस और नो? पी आर क्यू पता है क्या मुझे? हाफ इंटू पी क्यू पता है ना मुझे कितना है? 110 डिग्री. कहाँ से मालूम पड़ा? फ्रॉम 3. और ये कौन सा थियरम है? इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम. इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम. यस और नो? कितना सिंपल था ये? यस और नो? एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 255 डिग्री. तो एंगल पी आर क्यू कितना मिल गया आपको? जो भी आपको आंसर मिलता है उसको क्या करने का? तुरंत बॉक्स कर देने का. यस और नो? ये आपने इसको भी बॉक्स में डाल दिया. ये क्लियर है? ये क्लियर है? ऑल राइट इसके बाद में वी हैव दिस थिंग, इसको भी बॉक्स में डाल दिए. और फाइनली क्या है, आपको मेजर ऑफ पी क्यू आर भी पूछे थे ना, इसको भी आपने बॉक्स में डाल के आपके आंसर को क्या कर दिया? एकदम सिंप्लीफाई कर दिया. आई होप आपको ये पूरा आंसर समझ में आ जाएगा. इज इट एन आंसर? नो आंसर, सॉरी, इट्स अ सॉल्यूशन, राइट, विच कैन इजिली ब्रिंग यू 4 मार्क्स राइट इन टू योर पॉकेट. दैट मीन्स इक्वल टू 1%. कैन यू बी सॉल्विंग इट? यस. ऑल राइट, सी यू.